तो पहले अभी राजेश भाई देख रहे हैं चला के बाइक में क्या क्या दिक्कत है, फिर ये बताएंगे कि घर जमीन जायदाद क्या क्या बेचना पड़ेगा। ओ मैं ना आप लोगों को ना गलत चीजों से इन्फ्लुएंस ना करूं, एक अच्छा इन्फ्लुएंसर वही है। ये नितिन भाई, हम लोग पार्किंग के अंदर आ चुके हैं क्योंकि आपके भाई ने आज नहाया नहीं है, लेकिन फिर भी हीरो लग रहा है। और देखो हाइट होने का क्या बेनिफिट होता है, मैं अकेला एकदम लंबा, बड़ा होने का फायदा, होने का फायदा होता है, कोहनी मारते हुए चलते छोले भटूरे। भाई भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत है, कारों भौकाली कितना टाइट है, ऑडी में लग रहा है सैरन। भाई ऐसे चला रहे, मेरे तो फट के हाथ में आ गई। तो कैसे हो माय ब्रदर्स, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं मोटो ब्लॉग एक्सप्लोर। तो भाई कैसे हो गाइस, आज हमने स्टार्ट करा है कैसे हो माय ब्रदर्स, माय ब्रदर्स या माय ब्रोस दोनों में से कोई एक नाम रखेंगे अपने यूट्यूब ग्रुप का, जहाँ पे सारे भाई हमारे जो भी मोटो ब्लॉग एक्सप्लोर के जो भी ऑडियंस है उसे माया ब्रोस या माया ब्रदर्स बोलेंगे हम। आप दोनों में से कौन सा पसंद है आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई आज हम लोग रेडी हैं, हमारे पास कैमरा आ चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं ऑफिस। आज सैटरडे का दिन है, आई डोंट नो ये कल संडे को वीडियो आएगा या मंडे को आएगा, आई डोंट नो, बट आज हम लोग जा रहे हैं ऑफिस। ऑफिस से उसके बाद जाएंगे बाइक की सर्विसिंग के लिए, और बाइक को हम लोग आज देने वाले हैं सर्विस में, और एक अलग तरीके की कार दिखाऊंगा आपको। मतलब है तो ऑडी बट वो एकदम थोड़ी अलग तरह की रैप हो रखी है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और यार ठंड थोड़ी कम हो गई है नोएडा में, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अब ये कैमरा ऑन करते हैं और चलने से पहले पेट्रोल ले लेता हूँ मैं, क्योंकि गाड़ी में ना पेट्रोल एकदम नहीं है। हाँ और इसको करते हैं ऐसे, हाँ अब ठीक है, पेट्रोल लेंगे पहले। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ही लूँ क्योंकि सर्विसिंग कराने के बाद मैं ले लूँगा, तो अभी थोड़ा बहुत ले लेते हैं। और आज हम लोग जाने वाले हैं ना कुछ मोटो ब्लॉगिंग, और मोटो ब्लॉगिंग बोल सकते हो या ब्लॉगिंग कैमरा वगैरह परचेज करने हैं ना, तो देखते हैं आज क्या क्या करते हैं पूरे दिन में। तो भाई पेट्रोल तो हमने ले लिया है, जल्दी जल्दी चलते हैं अभी ऑफिस के लिए, अब हम लोग लेट हो रहे हैं, फटाफट भगाता हूँ अब। ओ मैंने अभी थोड़ा ही लिया है क्योंकि अभी सर्विसिंग करवाऊँगा ना, उसके बाद टंकी फुल करवाऊँगा। और एक भाई का मैसेज कमेंट आया था ना, कि वो भाई कह रहा था कि भाई ना यूपी ब्रोज रखो, है ना। तो भाई चलो यूपी से आप हो, हमें तो यूपी ब्रोज तो रख लेंगे, लेकिन हमारी ऑडियंस धीरे धीरे बहुत बड़ी होगी भाई, बहुत बड़ी, पूरे इंडिया में हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग होंगे। तो यार अगर सब्सक्राइबर के जगह पे अगर मैं यूट्यूब में कस्टमाइज का ऑप्शन आता ना, तो मैं ब्रदर्स वहाँ पर लिखता, ठीक है। तो लिख तो सकते नहीं है, तो अपना ग्रुप ही बना लेते हैं अलग, जो हम माया ब्रदर्स बोल करके आप लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे, और आने वाले टाइम में पूरी इंडिया हमारे ग्रुप को जानेगी। तो कैसा आइडिया भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। और एक चीज़ ना मैं सोच रहा हूँ आप लोगों से पूछता हूँ, पूछ ही लेता हूँ, है ना, क्योंकि आज हमारे पास पूरा टाइम है, अभी ऑफिस पहुँचने में भी मुझे लगभग लगभग 10 से 12 मिनट लगेगा। तो मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ गाइस, कि देखो मैं ना यूट्यूब के लिए जॉब को क्विट करने की सोच रहा हूँ, पहले पूरी बात आप लोग सुन लेना, है ना। तो जब मैं अगर क्विट करने के लिए सोच रहा हूँ, तो उससे पहले क्योंकि मेरा सोर्स ऑफ इनकम मेरा जॉब है, तो मैं चाह रहा हूँ उससे पहले मैं कोई बिजनेस सेटअप कर लूँ, ठीक है, उसके बाद मैं जॉब छोड़ूँ। लेकिन अगर जॉब नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है, तो मैं यूट्यूब में पूरा टाइम नहीं दे पाऊँगा, और जॉब छोड़ देता हूँ तो पेट्रोल, ठीक है, गैजेट्स, आने वाले टाइम में ट्रिप हम लगाने वाले हैं, उसके खर्चे कैसे हम करेंगे। और अगर मैं जॉब नहीं छोड़ता हूँ तो ये सारी प्रॉब्लम रहेंगी, मतलब मैं यूट्यूब के लिए टाइम नहीं दे पाऊँगा, और सुपर बाइक फिर मैं ले सकता हूँ क्योंकि मेरी जॉब रहेगी, तो मैं उससे उसका EMI वगैरह ईजिली मैनेज कर सकता हूँ। तो आप बताओ, क्योंकि एज अ भाई बताना है ना, कि मुझे पहले अपना बिजनेस सेटअप करना चाहिए या पहले बाइक लेनी चाहिए, स्पोर्ट्स बाइक। ऑब्वियसली बात है भाई, अगर मान लो मैं फॉर एग्जांपल Z900 की तरफ भी जाता हूँ,
तो अगर भाई तुम्हारा भाई उतना पैसे वाला नहीं है, जो भी कर रहा हूँ अपने दम पे मैनेज कर रहा हूँ, देख रहे हो इतनी बड़ी सिटी में रहने का खर्च कितना होता होगा, फिर भी मैं मैनेज करता हूँ चीज़ें अपने लेवल पे। मेरी कार्ड की भी EMI जाती है, रहने का भी कॉस्ट है, सब कुछ है। तो वही अगर 7-8 लाख रुपए की भी बाइक होगी तो उसका भी EMI आएगा भाई, अच्छा खासा आएगा। तो आप लोग सजेस्ट करो हमें क्या करना चाहिए। पहले मैं बिजनेस सेटअप कर लूँ, ठीक है, और यूट्यूब से ही रिलेटेड जो मैं काम कर रहा हूँ ना, यूट्यूब पे जो ब्लॉग्स बनाता हूँ उससे ही रिलेटेड मैं बिजनेस करने वाला हूँ, ठीक है, करने का सोच रहा हूँ। वो कर लूँ या फिर मैं सुपर बाइक ले लूँ, क्योंकि दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। और सुपर बाइक लेने के बाद भी मेरे पास इनफ टाइम नहीं होगा कि मैं रोज़ ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मैं ऑफिसेज वगैरह जाता हूँ तो 6 दिन तो ऑफिस में ही रहूँगा। तो आप लोग यार, आप लोगों का सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट आप लोगों के सपोर्ट के कुछ नहीं होगा, है ना। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी ना मैं करोल बाग जाऊंगा, सबसे पहले मैं एक माउंट लूंगा जहां पे मैं कैमरे को प्लेस कर सकता हूं, यहां पे वो माउंट लगाऊंगा, क्योंकि यहां पे जो देख रहे हो ना, यहां पे जो लगा है ये मिरर है, तो मिरर पे यार इतना ज़्यादा ट्रस्ट अब हो नहीं रहा है मुझे। मैं यहां पे लगा दूंगा ना माउंट, जहां पे Insta360 वगैरह लगता है, तो वो माउंट में क्या है ना, ये तो हिलने वाला है नहीं, बट इसका कोई ठिकाना नहीं यार, ब्रेकर में ना इधर उधर होने लगता है भाई। यार मैं सोच के कितना मज़ा आ रहा है कि जब मैं डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा यार, मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ ना मेरे भाई लोग, कि मैं ना आप लोगों को ना गलत चीज़ों से इन्फ्लुएंस ना करूँ। एक अच्छा इन्फ्लुएंसर वही है जो मतलब स्ट्रगल करके कैसे वो अपने लाइफ में चेंजेस ला रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है अपने और अपने फैमिली के लिए। तो मैं इस तरीके का मतलब करना चाह रहा हूँ, ताकि वो चीज़ देख के आप इन्फ्लुएंस हो। ये बाइक चलाना अच्छी बात है, लेकिन जैसे मैं चलाता हूँ ये मतलब सच बता रहा हूँ, इस तरीके से चलाना नहीं चाहिए। बट वही है ना कि एक तो शौक़ है और थोड़ा कमांड है चीज़ों पे, तो हम कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे इन्फ्लुएंस हो ना कि यार जिससे लाइफ भी ग्रो हो, उस इन्फ्लुएंस से फैमिली को भी सपोर्ट मिले, लाइक बिजनेस की मैंने जैसे बात करी, ठीक है। तो मैं यार जॉब के साथ साथ कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, बहुत ऐसे बंदे को मैं जानता हूँ जो मेरे साथ रहते थे, उनके पास बहुत एक्सक्यूज़ हैं कि भाई ऐसे नहीं कर पाऊँगा, ये नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं हो पाता, ऐसे मैनेज नहीं कर पाता। बट यार आप मुझसे वो चीज़ सीख सकते हो, 6 दिन ऑफिस में रहने के बाद भी, मैं चीज़ों को मैनेज करने के बाद भी, मतलब मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे क्या करना है जिससे मैं आगे अच्छा ग्रो कर सकता हूँ, उस पर मेरा फोकस होना चाहिए और उसके लिए टाइम निकालना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ से आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो, लेकिन गलत चीज़ों से इन्फ्लुएंस, मेरा कंटेंट देखो या किसी और का कंटेंट देखो, नहीं हो भाई, नहीं हो। क्योंकि जो रील में जो लाइव दिखती है और जो रियल में ना, बहुत डिफरेंट है भाई, बहुत डिफरेंट है। इधर उधर से सुपर बाइक तो ले ली, EMI के लिए सोचना पड़ रहा है ना। तो वैसे इन्फ्लुएंस मत हो। मैं R15 से क्यों चलाता हूँ, मोटो ब्लॉगिंग क्यों करता हूँ, ट्रस्ट में भाई, अगर लेना हो ना तो मैं कल 3-4 लाख रुपए बस डाउन पेमेंट देना है, आपकी सुपर बाइक आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद EMI के लिए सोचना पड़ेगा, चलो EMI भी दे रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसे बंदे हैं जो आउटर एरिया से देख रहे हैं, जो गांव में रहते हैं, जो छोटे शहरों में रहते हैं, जिसका बजट ये R15 भी नहीं है। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। कि तो वो सुपर बाइक देख के इन्फ्लुएंस हो जाए और घर में लोगों को बोले कि नहीं मुझे ये बाइक चाहिए या ये करना है, अपने मेहनत से करो, वो चीज़ अलग है। लेकिन इसीलिए मैं R15 से करता हूँ कि भाई इन्फ्लुएंस भी बंदे होते हैं ना, वो ये देखेंगे, रिलेट कर पाएंगे कि नहीं भाई, जब विकास R15 से कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना, अच्छे वे में कर सकता हूँ, ये सोर्स ऑफ इनकम इसे बना लो। मैं यूट्यूब जो करता हूँ, इतना टाइम लगाता हूँ, इससे मैं पैसे कमाता हूँ, ठीक है, पैसे कमाऊँगा। तो ये मतलब इस तरीके से आप लोगों को इन्फ्लुएंस होना अच्छे वे में, ठीक है। तो भाषण तो मैंने ज़्यादा लंबा दे दिया, बट यार सोचना इस चीज़ पे, ठीक है, माइंड लगाना। देखो भाई, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने की बात कर रहा था, और अभी देखो ये भाई साहब हमारे बगल से ऐसे निकल के चले गए। तो इस चीज़ से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भाई हमारे बगल से ऐसे कोई कैसे निकल सकता है, कोई चांस ही नहीं है भाई। ओहो
हो। अभी हम पहुंचने वाले हैं 2-4 मिनट में ऑफिस, और पता है बात करने के कारण ना मैं लेट भी हो चुका हूं। मैं ये देख रहा हूं कि 10 बज चुके हैं मेरे घड़ी में। इस भाई को पहले आगे जाने देते हैं फिर पीछे कर देंगे। अरे हॉर्न मारने से बढ़िया भाई आगे आ जाओ। ये गया भाई आगे, ठीक है अब आएगा भाई पीछे। भाई साहब में उतना है ही नहीं। ओ मजा आ रहा है वैसे। अब भाई इतना सेंस तो हमारे पास भी है कि 150 सीसी की गाड़ी और 350 सीसी की गाड़ी जब हाईवे पे चलेगी तो 350 सीसी की गाड़ी आगे निकलेगी, है ना। खैर उस चीज़ का हम क्रेडिट नहीं लेते, लेकिन जब हमारे पास भी आएगी 350 सीसी की बाइक तब देखेंगे। तो गाइज अभी हम लोग ऑफिस पहुंच चुके हैं, तो मिलते हैं आप लोगों को ऑफिस के बाद। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बाय बाय। 2000 years later। तो भाई फाइनली अभी मैं ऑफिस से आ चुका हूँ वापस, और अभी हम लोग जा रहे हैं सर्विस सेंटर जैसा आप लोगों को पता है, और अपना भाई भी आने वाला है जिनके साथ अभी जाना था कैमरा लेने के लिए। तो अभी मुझे लगभग मैक्सिमम 15 से 20 मिनट अभी और लगेगा। उसके बाद जैसे हम लोग गाड़ी को सर्विस सेंटर में छोड़ेंगे फिर वहाँ से निकलेंगे दिल्ली। पहले सर्विस सेंटर जाते हैं, बाइक को देते हैं और देखते हैं क्या खर्चा वगैरह आएगा, है ना। A few moments later. तो ये रहा हमारा यामाहा का सर्विस सेंटर। यहाँ पे शोरूम और सर्विस सेंटर दोनों एक में ही है। और चाचा, हाँ तो पहले अभी राजेश भाई देख रहे हैं चला के बाइक में क्या क्या दिक्कत है, क्या नहीं है क्या नहीं है, फिर ये बताएंगे कि घर जमीन जायदाद क्या क्या बेचना पड़ेगा। तब तक भाई को कॉल कर लेता हूँ, कहाँ पे हमारी गाड़ी कहाँ रह गई। A few moments later. तो भाई आपका भाई आ चुका है अभी कार में, और ये देख लो, ये नितिन भाई और ये सचिन भाई। डाइट है ये, जिम डाइट हमारा। और थोड़ा थोड़ा जो मैंने आपको बताया था ना कि कार दिखाना है वो दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा, देखो। अभी हम लोग लेट हो रहे थे ना तो जल्दी जल्दी आ गए तो दिखा नहीं पाया अच्छे से, इसको दिखाते हैं आप लोगों को। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे चांदनी चौक के पास, और नितिन भैया को देखो पार्किंग करा रहे हैं, पार्किंग ढूंढ रहे हैं गाड़ी का। हम लोग पार्किंग के अंदर आ चुके हैं लेकिन यहाँ पे हमें स्पेस नहीं मिल रहा है। हमारे भाई साहब मेहनत करते हुए भाई देखते पार्किंग का सीन। यार बाल खराब हो रहा होगा गाइस, तो मैनेज कर लेना थोड़ा, है ना, क्योंकि आपके भाई ने आज नहाया नहीं है लेकिन फिर भी हीरो लग रहा है। अरे उल्टा फंस गया ना चक्कर, ये कोई दिक्कत रात को ना, रात को उतना अच्छे से दिख नहीं रहेगी। अभी दिखाएंगे अभी आप लोगों को, है ना। और देखो हाइट होने का क्या बेनिफिट होता है, ये बंदा पूरे मार्केट में अकेला ही एकदम नंबर दे रहा है। हाइट होने का ये बेनिफिट होता है गाइस। और अभी हम लोग आ चुके हैं मार्केट में, चौड़ा होने का फायदा क्या होता है, चौड़ा होने का फायदा होता है कोहनी मारते हुए चलते। देख रहे हैं यहाँ पे इतनी सारी शॉप्स, कई कई जगह पे हाइट का नुकसान भी होता है, ये देख लो भाई साहब। देख रहे तंग गलियां हैं ये भाई,
अभी क्या ना हर शॉप पे अलग अलग रेट मिल रहा है, तो अभी देखते हैं क्या करना है। तो भाई हमारा कैमरा लग रहा चार्ज पे हो गया एकदम रेडी। सामने वाले भैया के कैमरा हमने ले लिया है, भैया के बिल बना दे, ये सीरियल नंबर ले ले। अभी एक ही कैमरा लिया है, अभी धीरे धीरे देखते हैं, एक दो दिन में फिर से आएंगे और कैमरा लेने। अभी तो चल रहे हैं माइक वाइक लेने के लिए। तो भाई इतना रात हो चुका है, 9:30 बज गए और अभी हमने ना माइक वाइक भी ले लिया। ये रहा मोनो का माइक, हमने पूरा खखोर दिया दिमाग का एकदम दुकान वाले को कि भैया ऐसे ऐसे करके दो। छोले भटूरे कहाँ खाने का, कहाँ इंतजाम बनेगा? थोड़ा अंदर आ रहा हूँ, अंदर चलो आप। भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत है। और ये देखो यार सबसे मेन चीज़ तो इधर है, सचिन भैया के साथ अभी केस हो गया, अभी चल के उसको निपटाते हैं। पहले खा लेते हैं आप। जाओगे? हाँ जाएंगे, 1000 रुपये की बात है। छोड़ना नहीं है सचिन भैया, है ना? बिल्कुल भी ना, फोन से सही आ रहा है। एक नंबर है गाइस, कोई भी अगर इधर आ रहा है तो जरूर खाना ये। हाँ एक मिनट लगा। 2000 years later. खाना पीना हो चुका है, अभी आ गए यहाँ पे, देखते हैं हमारा। हाँ है कैमरा है, ये रहा हमारा कैमरा। हमने गाड़ी में ही छोड़ दिया था कैमरे को, है ना? और अभी निकलते हैं। GoPro है ये दूसरा? हाँ एक आगे लगाता हूँ ना। सही है। तो, ओ, 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 तो अभी चल रहे हैं, ये देख लो भाई गाड़ी अपनी। यो तो भाई पहले अंदर आ जाने दो। तो गाइज आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। और यहाँ पे देखो मोनो का ना माइक, DSLR, ठीक है, कैनन R50। भाई हमारे ना इस साइड में ये देखो जामा मस्जिद है ना, उसका ये बाउंड्री है, और इस साइड लाल किला का बाउंड्री है। आप लोग अगर देख पा रहे हो ना, ये रेड फोर्ट है, देखो लाल किला। तो नितिन भी आज का दिन कैसा रहा? अव्वल क्लास, अव्वल क्लास। सचिन भी आगा ना, अभी हम लोगों ने 1000 रुपये बचा दिए। तो अभी फुल मौज, देखो यहाँ देखो मेरी ना रेड फोर्ट, बस कह रहा हूँ भौकाली कितना टाइट है। ऑडी में लग रहा है सैरन, पूरा हाईवे एकदम क्लियर है। अगर आप लोगों को आवाज आ रहा होगा तो देख रहे हो, पूँ 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 पूँ। पूरा हाईवे पे एकदम सनसनाते हुए जा रहे हैं हम लोग। भाई ऐसे चला रहे, मेरे तो फट के हाथ में आ गई। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। और फिलहाल तो यही है इस ब्लॉग में, तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बताऊंगा कि हमारे बाइक में क्या क्या खर्चा हुआ है, मतलब अच्छा खासा हिसाब किताब बैठा है हमारे बाइक में जो सर्विसिंग का कॉस्ट है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और थैंक यू सो मच भाई, दिल से सपोर्ट जो आप लोग करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और देखते रहें मोटो ब्लॉग एक्सप्लोर।